है पहले तो एक परिचय है। यह 2021वीं सदी का यह पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति। कोई भी राष्ट्र का विकास डिपेंड करता है वहां के राष्ट्र के अनुकूल जो शिक्षा प्रणाली होती है उस पर डिपेंड करता है। तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो 21वीं सदी की भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें सारे गुणात्मक तथ्यों को लिया गया है और जो SPG4 के विकासात्मक अवधारणाएं हैं उसको समाहित करते हुए यह नीति बनी है। और इसमें शिक्षा व्यवस्था के कैसे लागू होगा, इसका गवर्नेंस कैसा होगा, किस तरह से ये प्रभावी होगा, इन सब बिंदुओं की पूर्ण चर्चा करते हुए यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति फॉर्मुलेट की। पिछली नीतियां जो बनी थी 86 उसमें से सबसे प्रभावी एक जो नीति ली गई थी जो 2009 में शिक्षा का अधिकार, हाँ, राइट टू एजुकेशन, इसको और ज्यादा सार्वभौमिक बनाने की चर्चा। और माना गया कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि शिक्षा हर व्यक्ति का मूल अधिकार है, इससे इसको जोड़ा गया। इसको इलिब्रेट करना, यानी कि जो पिछली राष्ट्रीय नीतियां शिक्षा नीतियां थी उसमें से ये जो एक नीति है राइट टू एजुकेशन, इसको क्रांतिकारी मानते हुए इसको इसमें और आगे बढ़ाने की बात शामिल की गई है। इस नीति के जो आधार सिद्धांत है, आधारभूत सिद्धांत किसी भी नीति का होता है, तो पहला तो है कि भाई ऐसे व्यक्ति का गठन करना है, इससे विकास करना है जो हर व्यक्तियों के विशिष्ट क्षमताओं का एक तरह से पहचान करके उन क्षमताओं का संवर्धन। दूसरा है बुनियादी साक्षरता ज्ञान और संख्या ज्ञान। ऐसा देखा गया है कि आगे हम भी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि बच्चे भारत के जो असर के द्वारा जो रिपोर्ट आया उसमें ये पाया गया कि 5 करोड़ से अधिक बच्चे, क्लास 3 तक के बच्चे को जो जरूरी अक्षर ज्ञान होना चाहिए, जरूरी संख्या ज्ञान और जरूरी संख्या ज्ञान का जो संक्रियाएं होती हैं, यानी दैट मीन्स दे आर अनेबल टू डू वेरी सिंपल एडिशन मल्टीप्लीकेशन, तो उसको इसमें शामिल किया गया है। इसको एक लक्ष्यात्मक ढंग से लिया गया है। इसमें लचीलापन जो है, फ्लेक्सिबिलिटी, इसका एक बेहतरी है कि आपको जो समझ में आए हर स्तर पर लचीलापन है। इसको स्कूली लेवल पर भी कहें, क्लास 6 से ही इसमें लचीलापन दिया गया है, 3 के बाद दिया गया है। ऐसे लचीलापन का मतलब है कि आपकी रुचि क्या है, अकॉर्डिंग टू रुचि आप अपने विषयों का चुनाव कर सकते हैं। लगता है लेने के बाद, ऑप्ट करने के बाद लगता है कि नहीं ये नहीं चल पाएगा, तो यू में चेंज, तो ये पूर्ण लचीलापन दिया गया है इसमें, ये इसकी खूबी है। कला विज्ञान व्यवसायिक और शैक्षणिक धाराओं आज में कोई स्पष्ट अंतर नहीं किया गया, यानी कि ये हम आर्ट के विद्यार्थी हैं, साइंस के विद्यार्थी हैं, मैं कॉमर्स का विद्यार्थी हूँ, ये जो धारणाएं थी इसको अब खत्म कर दिया गया है। केवल आप 12 पास किए, ग्रेजुएशन किए, ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और हिंदी आप इतिहास के साथ एक पेपर मैथ रख सकते हैं, फिजिक्स में रुचि एक पेपर रख सकते हैं। तो इस तरह की जो स्पष्ट एक अलगाव था इसको खत्म किया गया है। एक मल्टी सभी विषयों के बीच एक जो इंटर रिलेशनशिप होता है, मल्टी अप्रोच जो होता है, उसको पहले से ये मल्टी डिसिप्लिनरी एक्ट जो है इसको शामिल किया गया है। इस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा कि भाई
हर विषय का जो अंतरात्मक संबंध है उसको हिस्ट्री में भी मैथ है, विज्ञान साइंस मैथ ही तो कोरिलेटेड है, लेकिन हिस्ट्री में भी मैथ की कहाँ अवधारणा है, लिटरेचर में भी हम साइंस को कहाँ जोड़ते हैं या साइंस में लिटरेचर ढूंढना, यानी कि एक जो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद से है, पहले क्या था कि बच्चे पढ़ लें, हम लोग जो एजुकेशन प्रणाली है इसमें रटंत विद्या, जितना आपको याद है उतना आप लिखते हैं, लेकिन इस बात की जो शिक्षा नीति है उसमें कंसेप्ट बेस्ड, यानी कि अवधारणात्मक, बच्चे का कंसेप्ट कैसे डेवलप हो ये इसको लिया गया है, इसके लिए किया गया है। बच्चों का जो क्रिएटिविटी है और लॉजिकल थॉट है उसको ध्यान में रख करके शिक्षा नीति फॉर्मुलेट किया गया। नैतिक मान्य और संवैधानिक गुणों का विकास कैसे हो, बहुभाषिकता, जीवन कौशल, जैसे हम लोग टॉपिक देख रहे हैं एक ही भाषा नहीं, मल्टीलिंग्विज्म की बात है, सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर, जो कंटिन्यूअस पहले भी हम लोग देखे थे इसी का, वही कंटिन्यूअस असेसमेंट पर जोर दिया गया है, तकनीकी का उपयोग करना ही है, सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारभूत शिला के रूप में पूर्ण क्षमता और समावेशन, शिक्षक और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना। नेक्स्ट, शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता को सुनिश्चित करने के लिए नामक ढांचा का निर्माण है, उत्कृष्ट स्तर का शोध रहेगा, भारतीय जड़ों और गौरव से शिक्षा सार्वजनिक सेवा, एक मजबूत जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश की बात कही गई। राष्ट्रीय शिक्षा हर नीति की एक विजन होती है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भी विजन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन है कि भाई भारतीयता के प्रति, जो भी इस नीति से पढ़ करके बच्चा निकले उसे भारतीयता के प्रति गौरव का बोध हो, इसके बाद उत्तरदायित्व के प्रति बच्चा जागरूक रहे, वैश्विक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता, संवैधानिक मूल्यों के प्रति आस्था, भारतीय मूल्यों परंपराओं से परिपूर्ण होना है, और देश को क्या बनाना है, एक तरह से वैश्विक स्तर पर ज्ञान महाशक्ति के रूप में भारत को विकसित करना, ये विजन है। और ये जो स्कूली शिक्षा है, पहला 10+2 के जगह पर क्या गया है 5+3+3+4, इसकी चर्चा बहुत हो चुकी है। 5 को हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट जो 3-8 ईयर जो होगा वो फाउंडेशन 2-5-8 ईयर, तो इसमें 3-8 ईयर में भी ECC 3-5 ईयर के लिए है, और फिर 2 और 3 में बच्चे का एग्जाम वगैरह शामिल होगा, इसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज है, मिडिल है और सेकेंडरी है, 5, 3 और प्रिपरेटरी स्टेज, कहाँ से कहाँ तक हो गया, क्लास कितना से कितना, नर्सरी से 2-5 हो गया, फिर 3-6 हो गया, 3+5, फिर 6 से शुरू हुआ 8 तक, 6-7-8, फिर 9-10, ये 5+3+3+4, ये 5+3+3+4 का जो कंसेप्ट है इसको ध्यान में रखना है। अब 5 में जो 3 ECC अर्ली चाइल्ड केयर है, पहले 3 ईयर है, 1 और 2 में जब बच्चे जाएंगे उसमें भी बच्चे का वो एग्जाम से छुट्टी है, लेकिन वहाँ से औपचारिक शिक्षा का रूप रेखा हो जाएगा, वो स्कूलिंग हुआ, और स्कूलिंग के बाद से 3-4-5 में एग्जाम इंट्रोड्यूस हो जाएगा, 6 में इसको अलग क्यों किया गया, 6-7-8 को इसमें व्यवसायिक एजुकेशन जुड़ जाता है, और 9-12 का अलग रूपरेखा हो जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से ऐसे, अब ये जो ECC है इसको थोड़ा सा भाई, ये ECC है क्या,
प्रारंभिक जो अर्ली चाइल्ड केयर हुड एंड एजुकेशन के बारे में बहुत चर्चा होती है, ये एक्चुअल में 6 to 8 ईयर हम लोग जानते हैं कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो 3 to 6 ईयर तक, 8 ईयर तक तो 80% 80 to 85% हो ही जाता है। तो ये जो बाल्यकाल का एजुकेशन है या बाल्यकाल की जो उसकी संरक्षण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर उस समय बच्चे का प्रॉपर केयर हो और प्रॉपर केयर के आधार पर हम अगर उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए ऐसा तज्ञ शिक्षा ध्यान रखें, इसमें तीनों का वर्धन जो कॉग्निटिव इफेक्ट है, साइकोमोटर है या एडाप्टिव डोमेन है, तो इन सभी को अगर हम लोग ध्यान में रख करके एजुकेशन को फॉर्मुलेट करते हैं तो वह निश्चित रूप से बच्चे के विकास को बढ़ावा देगा। अब इसमें करना क्या है, कैसी शिक्षा होनी चाहिए, तो इसके लिए करें कि भाई ये बहुआयामी होगी, मल्टी लेवल का एजुकेशन देना है, मल्टी लेवल बहुआयामी बहुस्तरीय, मल्टी लेवल बहुस्तरीय हो गया, बहुआयामी हो गया, मल्टी डायमेंशनल हो गया बहुआयामी। अब ये बहुआयामी की बात क्या है कि जितने भी डोमेन डेवलपमेंट के जितने भी डोमेन उनको लक्ष्य करके देना, एक ही डोमेन नहीं है, केवल शिक्षा का मतलब विकास ही नहीं होता है, उसके सांवेगिक विकास, उसके शारीरिक विकास, उसके मानसिक विकास, ये सभी विकासों को ध्यान में रख करके एजुकेशन को फॉर्मुलेट किया जाएगा। शोध परक होगा, बच्चे शुरू से ही उस ओर बढ़े ताकि उनके शोध संबंधी बातों को उनमें शोध करने की एक अलग जगह, तो इस तरह से ECCE को फॉर्मुलेट करना है। इसमें 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए कह रहा है कि जो आंगनबाड़ी अभी चल भी रहा है तो उस आंगनबाड़ी के कंसेप्ट को बाल वाटिका प्री स्कूलिंग इसी देखभाल और शिक्षा के रूप में इसको सुनिश्चित किया जाएगा। 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। ECCE के बाद से 6 से 8 वर्ष के बच्चे जाएंगे और प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित, ये भी ECCE में भी और प्रारंभिक में भी, तो गतिविधि आधारित शिक्षा, बच्चे जॉयफुल होते हैं, अनेक तरह की गतिविधियों को शामिल किया जाएगा, गतिविधियों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से, लेकिन गतिविधि अधिकाधिक गतिविधि को शामिल करना है। बच्चा जैसे प्ले स्कूलिंग में आता है तो गतिविधि के माध्यम से ही उसको सिखाया जाता है, तो अधिकाधिक गतिविधियों को शामिल करते हुए इसमें ECCE के द्वारा हम लोग बच्चे का विकास करेंगे। इस तरह इसमें थोड़ा सा एक हम लोग क्लासरूम का एक कंसेप्ट दे रहे हैं, कैसा क्लासरूम होगा, ये 1-डायमेंशनल फिगर है, ऐसे ही मान लीजिए हॉल है, हॉल देख रहे हैं, इसमें ये जो बच्चे आए वो बैठे, जो बच्चों का अभी डेस्क बेंच पर बैठा करके जो क्लासरूम का कंसेप्ट है वो नहीं है, यहाँ भी पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है, बच्चे आए उनका सर्किल आवर होगा, जब आते हैं तो उस समय अटेंडेंस हो गया, उसके बाद से सभी बच्चे अलग अलग एक्टिविटी कॉर्नर बने रहेंगे, ये जो 4 है एक्टिविटी कॉर्नर है, इन एक्टिविटी कॉर्नर में बच्चे जाएंगे और ये एक्टिविटी फिक्स नहीं रहेगा, हमेशा एक्टिविटी चेंज होते रहेगा, जिस एक्टिविटी में जो बच्चे दक्ष हो गए, जो ग्रुप दक्ष हो गया, अलग अलग ग्रुप बन जाएगा, तो इस तरह से एक्टिविटीज कॉर्नर रहेंगे। हाँ, नेक्स्ट, कुछ कुछ इसका लर्निंग एक्टिविटी कॉर्नर्स को मूर्त रूप में दिखाने की बात कही गई है, कोई क्या है तो रीडिंग बुक के लिए, रीडिंग बुक के लिए कॉर्नर है, इसके बाद से ये ड्रामा प्ले कॉर्नर है, पजल्स है, क्रिएटिव आर्ट्स है, राइटिंग कॉर्नर है, साइंस कॉर्नर, म्यूजिक कॉर्नर, तो इस तरह से अनेक गतिविधि को फॉर्मुलेट किया जाएगा। अब हमारे कंसेप्ट में आगे आगे किस तरह के जो नर्सरी के जी और वर्ल्ड के क्लासेस होने चाहिए, किस लेवल के होने चाहिए, कुछ कुछ कंसेप्ट में आगे
ऐसे पढ़ा नहीं, केवल किताब या डेस्क बेंच से नहीं, ऐसे एक भाव दिया गया है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। इसके बाद फिर एक बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान सीखने के लिए तत्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त है। पहले भी मैं बताया कि जो सीखने की जरूरी आवश्यकता है कक्षा फिर तक के बच्चों का, उनमें पढ़ने लिखने और संख्याओं की जो जरूरी गणनाएं हैं वो करने आ ही जाए, इसके लिए इस शिक्षा नीति में टाइम निर्धारित कर दिया गया है। ये टाइम बाउंड हो गया है, एक लक्ष्य लिया गया है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कि नहीं इसको कर ही लिया गया, इसके लिए एक योजना भी खड़ी हुई है, संकल्प, और इस पर काम शुरू है। तो ये उस योजना का भी नाम लिया है संकल्प, यानी कि बच्चे को हर हाल में 2025 तक जो कक्षा 3 के बच्चे हों वो 100% उनमें यह जरूरी जो पढ़ने लिखने का कौशल है और पढ़ना लिखना कक्षा 3 तक जो मिनिमम लर्निंग आउटकम है और जरूरी संख्याओं की गणना करना बच्चा सीख ही जाए, इसको तत्काल रूप से एक राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में लेकर के काम हो रहा है। स्पष्ट लक्ष्यों को निर्धारित करने और उसे प्राप्त करने हेतु आवश्यक संसाधनों एवं शिक्षण सिद्धांतों का समावेश भी करना है। मैं केवल लक्ष्य लेने से नहीं होगा, उसमें क्या क्या संसाधन होंगे, फिर किस तरह के पेडागोजी हम डेवलप करें ताकि जिस लक्ष्य को हम ले रहे हैं उस लक्ष्य को हर हाल में पाए। तो इस दृष्टिकोण से कक्षा 1 के बच्चे के लिए 3 महीने का प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉडल बनाया जाएगा। दीक्षा पर बुनियादी जो दीक्षा है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर उच्चतर गुणवत्ता वाले संसाधनों से उपलब्ध कराया जाएगा। नहीं सीखने के कारणों का पता लगाना और उनको दूर करने के लिए आवश्यक विधियों का प्रयोग करना। सभी भारतीय और स्थानीय भाषाओं में प्रेरणादायी बाल साहित्य का निर्माण किया जाएगा। पोषण एवं स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा। चलिए अब ये जो एक बीच में आया ड्रॉप आउट, तो ड्रॉप आउट सरकार को हर शिक्षा नीति में ये करना है भाई बच्चे जो हैं ड्रॉप आउट क्यों होते हैं, इनके कारणों का पता करना। पहले तो ड्रॉप आउट कितने होते हैं, तो ये देखा गया है कि 6 तक बच्चे जो है 100% एडमिशन लेते हैं, और एडमिशन लेने के बाद जब बच्चे का कक्षा 6 तक जाते जाते 5-6 तक क्या होता है कि 90% ही वो रह पाते हैं क्लास में। 9-10 तक देखा गया कि 79.3% रहते हैं, और 11-12 में मात्र 54.75 रह जाते हैं। यानी कि ये जो 43% के जो आंकड़े हैं या 44% जो बच्चे हैं और 12 तक जाते जाते हैं स्कूली शिक्षा से क्या हो जाता है, प्रदूषण से क्या हो जाता है, इतनी बड़ी संख्या हमारे देश की आगे नहीं बढ़ पाती है। तो ड्रॉपआउट बच्चों के क्यों ड्रॉप आउट होते हैं, इन कारणों को पता लगाते हुए और ऐसा जरूरी शिक्षा प्रदान किया जाएगा ताकि बच्चे का जो सीखने के प्रति एटीट्यूड प्रवृत्ति वो बनी रहे। इस तरह के संसाधनों का, इस तरह के शिक्षकों का विकास, इस तरह के कक्षा कक्ष का विकसित करना ताकि बच्चे सीखने के प्रति अट्रैक्ट हो। शिक्षण की जो विधियां हैं उन विधियों में इस तरह के प्रभाव को डाला जाए कि बच्चा सीखने में रस ले सके, सीखने के प्रति उसकी नैराश्य भाव खत्म हो सके। तो इन दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यही जो एक दो फॉर्मेट किया गया बच्चों का 100% नामांकन नियमन नियमित रूप से विद्यालय आना सुनिश्चित करना, सुनिश्चित ही नहीं करना, बच्चे आ रहे हैं रेगुलर बने हुए हैं इसको ट्रैकिंग करें हर साल जो है, ट्रैक मतलब कि भाई हर साल डाटा लेना कि जो बच्चे नर्सरी में हुए वही 1 में आ रहे हैं 2 में आ रहे हैं, तो हर साल जो है ट्रैकिंग व्यवस्था भी लागू करेगी भारत सरकार। ये हमारी शिक्षा नीति के द्वारा ड्रॉप आउट जो संख्या है ये भारत के लिए अभिशाप है, इसको खत्म किया। यही है जो
स्कूल में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र अधिगम समग्र एकीकृत आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए। तो रुचिकर होना चाहिए, इसी के लिए फॉर्मुलेट किया गया है। बच्चों के जो एज ग्रुप है ये 3 से 8 के लिए, 3 से 8 एज ग्रुप के लिए 5 5 + 3 + 3, 3 से 8 एज ग्रुप के लिए 5 है, 11 से 14 के लिए 14 18, 8 से 11 11 14 14 18 की उम्र के विभिन्न पड़ावों के विद्यार्थियों के समग्र विकास है। तो 5 + 3 + 3 + 4 के नए डिजाइन को स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र गठित किया है। फाउंडेशनल स्टेज में SEC के पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को शामिल किया जाएगा। उपरोक्त चरणों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को केंद्र में रखते हुए शिक्षण की रणनीति को विकसित किया जाएगा। अब ये समग्र विकास कैसे होता है, वो ओवरऑल डेवलपमेंट की जो बात है, तो रखने की प्रथा को प्रवृत्त करना, 21वीं शताब्दी के कौशलों से सुसज्जित करना, संज्ञानात्मक विकास के साथ चरित्र निर्माण, ज्ञान की वास्तविक समझ और प्रतिभा का निखार। ज्ञान का जब वास्तविक समझ होगा, यानी कि इसमें करना क्या है, करना यही है कि बच्चों का जो पाठ्यक्रम है, अगर हम लोग इसके बारे में डेप्थ में जाएंगे तो क्या करेगा कि जो आज के पाठ्यक्रम है उसको थोड़ा सा परिसीमित करेगा, यानी कि सिलेबस पूरा करते करते सत्र नहीं खत्म हो जाए, सिलेबस को थोड़ा कम करना और उस पर अवधारणात्मक सोच के लिए चर्चाएं, एक्टिविटी, जितने तरह की एक्टिविटीज है उसको, उस एक्टिविटी के माध्यम से जो बच्चा पढ़े उसका 100% उसको कंसेप्ट है, ये नहीं कि बस रट लिया, वो जानता नहीं है इस ज्ञान का मतलब क्या है, तो उस मतलब को समझना है। और अनिवार्य अधिगम और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करना, तभी हो पाएगा। आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित, चर्चा आधारित और विश्लेषण आधारित अधिगम को प्रोत्साहित दिया जाएगा। इसके लिए ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की बात आई है कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हो, बच्चा स्वयं करके सीखे। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में क्या होता है, बच्चा को वी आर गोइंग टू अलाउ व्हाट दे फॉर द सीकिंग ऑफ नॉलेज, तो स्वयं करके और जब वो एक्सपीरियंस लेता है, स्वयं करके जब एक्सपीरियंस होता है तो ज्ञान क्या होता है, स्थाई होता है, स्थाई होता है ना। कहा जाता है कि जब बच्चे आग को छूने लगते हैं तो क्या किया जाता है, धीरे से आग के पास उसके हाथ को ले सटा दिया जाता है कि देखो इसकी गर्मी क्या है, और जब एक बार उसको एहसास हो जाता है कि छूने से जलेंगे तो नहीं छूता है। तो ये छोटा सा उदाहरण है। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग यही होता है कि स्वयं करके जो एक्सपीरियंस उसको गेन होता है और वो ज्ञान क्या होता है, अस्थाई होता है। तो इसमें इस न्यू एजुकेशन, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग अधिगम को लागू किया गया है। इसके बाद है कला समन्वय। ये कला समन्वय, खेल समन्वय क्या है कि देखिए, भारतीय कलाओं को जितने भी ज्ञान हमें देना है, इंग्लिश लिटरेचर का ज्ञान देना, गणित का ज्ञान देना या SST का, हिस्ट्री का ज्ञान देना, तो सभी ज्ञान में हम भारतीय, इसमें दो तरह का उदाहरण सोच है। ये जो शिक्षण प्रवृत्ति है, प्रविधि है, जिसमें आर्ट को इंटीग्रेट करना, यानी कि आर्ट के इंटीग्रेशन करने का मतलब है कि जो भारतीय कलाएं हैं उनको पुनर्जीवित भी करना है, उसके प्रति बच्चों के मन में भाव भी पैदा करना है और उसी कला के द्वारा उसको ज्ञान भी देना। अब ये कलाएं क्या क्या हो सकती है, हम लिटरेचर में जब पढ़ा रहे हैं तो उस लिटरेचर के जो भाव चित्र है उस चित्र को हम दिखा सकते हैं क्या, अगर कहानियों का जहां जहां प्रारूप है, जैसे हम लोग दो बैलों की कहानी पढ़ें, दो बैलों की कहानी में जगह जगह पर दिखा रहा है कि भाई दो बैल हैं, कभी तोड़ के भाग रहे हैं तो दिखा रहा है, यानी कुछ न कुछ। अब वो शैली, जहाँ स्थानीय शैली के आधार पर आप उसका चित्रण कर सकते हैं, शैली आपका क्या हो सकता है, मिथिला में मिथिला पेंटिंग के द्वारा आप दिखा लें, यानी कि
जो चीजें हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो हिस्ट्री में कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों को हम दर्शा सकते हैं, या जो वहाँ की कलाएं हैं, वहाँ के नाटक हैं, उसके माध्यम से हम उन सब चीज़ों को दिखा सकते हैं। जैसे दक्षिण भारत में अनेक तरह के नृत्य होते हैं, उस नृत्य के द्वारा पूरी भारतीय संस्कृति को दर्शा दिया जाता है, तो दैट इज एन आर्ट। तो इस तरह से आर्ट को इंटीग्रेट करने की प्रविधि है। खेल समन्वय है, हर जैसे कि मैथमेटिक्स पढ़ाना है तो बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ाना है तो किस तरह के खेल के एक्टिविटी के द्वारा, छोटे छोटे जब हम लोग पत्थर के टुकड़े रख देते हैं 10 टुकड़ा बच्चा को जब शुरू में जूनियर में पढ़ाना है तो गिनता है, गिन करके गिनो लिखो, फिर उधर से गिन करके लिखो, एक साथ मिलाने के बाद फिर गिन करके लिखो, तो एक जोड़ की प्रक्रिया हो जाती है, उसमें आनंद भी आता है। तो ऐसे अनेक खेल को समन्वित करना है। इसके बाद है कोर्स चुनाव में विकल्प में पूरी लचीलापन दी जा रही है कि आप 100% स्वेच्छा रहेगी, आपको जो पढ़ना है आप पढ़ें, ये लचीलापन है। वास्तविकता में कुछ जो कठिनाइयां भी हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को कैसे दूर करेगा लोग, तो आगे आएगा। पूर्ण अगर हम स्वतंत्रता देते हैं कि भाई 11-12 में बच्चा जिसको जो इच्छा है पढ़े, तो उस तरह से उतनी फैकल्टी, उस तरह से उतना ही करना, ये भी एक आने वाले समय में थोड़ा सा चुनौती होगी, लेकिन ये इम्प्लीमेंट करने के कुछ ना कुछ आधार निकालेंगे लोग। फिर भी बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए, बच्चों की रुचि को ध्यान में रखते हुए, ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम इसको कहा जा सकता है। और स्कूली शिक्षा के 4 चरणों में से प्रत्येक विभिन्न क्षेत्रों में छोटे मॉड्यूल को शामिल किया जाएगा, या ऐसे कोर्स जिनमें वैकल्पिक दिनों का शिक्षण होता है। तो ये छोटे मॉड्यूल का मतलब है कि बच्चे स्कूली शिक्षा कर रहे हैं, उसमें उनको हम कोडिंग सिखा दिए रखा गया। कुछ जैसे अभी अटल टिंकरिंग के माध्यम से रहे, चलो 2 महीना में हम किसी एक विशेष प्रशिक्षण बच्चे को दे दिए, तो ऐसे छोटे छोटे मॉड्यूल्स में भी एक बच्चे के जो टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड कैसे बच्चे हों, क्योंकि आज का जो कंसेप्ट है वो क्या है कि बच्चे का बोथ डोमेन, मैंने पहले क्या था कि ओनली वन डोमेन कैन बी डेवलप, बट अब ओवरऑल डेवलपमेंट में कोई डोमेन छूट नहीं रहा। बच्चा गणितज्ञ के साथ संगीतज्ञ भी होता है, बच्चा साइंटिस्ट है तो इधर आ रही है। चलिए नेक्स्ट, और है ना, अब यहां पर बहुभाषावाद की बात है, मल्टी लैंग्वेज, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे कि ये बहुभाषावाद है क्या। पहले तो दिया गया है कि बच्चे का जो चाइल्डहुड मीन चाइल्डहुड अगर एजुकेशन होगा तो उसकी मातृभाषा में होगी, उसकी ओन मातृभाषा। अब ये ओन मातृभाषा, मान लीजिए कि बच्चे हमारे नर्सरी में आ रहे हैं, केजी में आ रहे हैं, तो जिस भाषा, जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं उसी में उनको एजुकेट करना है, क्योंकि विश्व की सारी शिक्षण जो अनुसंधान हुए उस अनुसंधान के आधार पर यही निष्कर्ष निकला है कि बच्चे मातृभाषा में जल्दी सीखते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो विषयों को सिखाना महत्वपूर्ण है, तो मातृभाषा में जल्दी सीखते हैं, तो उनकी जो मातृभाषा क्या है ये कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। जो बच्चे जिस परिवार से आते हैं उस परिवार की, उसकी माता की जो भाषा है वही मातृभाषा है। मातृभाषा और परिवार की भाषा मे बी डिफरेंट, मातृभाषा यानी कि जो माँ बोलती है वही है मातृभाषा। तो ये मातृभाषा में बच्चे को एजुकेशन देना। अब ये मातृभाषा में जब हम एजुकेशन देंगे नर्सरी के जी में, तो कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ भी आएंगी। क्या क्या व्यवहारिक कठिनाइयाँ आ सकती हैं कि बच्चा एक कक्षा में 4 भाषा बैकग्राउंड से आ सकता है, तो उसके लिए भी कहा गया कि भाई जिस बच्चे का जिस भाषा में आ रहा है टीचर तो एक ही होंगे, लेकिन सीखने भर, बच्चा जितना सीखे उतना भर हम
जान ले उसको, या तो लिखित रखे और उस बच्चे से यथासंभव दो शब्द, जैसे प्रधानमंत्री जाते हैं तो जब जाएंगे आरा में तो काजी रोवा सब ठीक बानी, मैथिल में गए तो भाई मिथिला क्षेत्र में तो सब ठीक अहाँ के सब ठीक ठाक ठीक ठाक छे ना, तो दो शब्द यानी कि काम चलाने भर जहाँ हम जा रहे हैं जिस भाषा के बैकग्राउंड के बच्चे हैं कुछ कुछ हम उनके शब्दों में बात करें, उनको शिक्षा दें। अब रही बात की ये जब नर्सरी केजी वन केजी टू या जो शिशु वाटिका है या उसको आंगनबाड़ी हम करें, आंगनबाड़ी के बाद जब बच्चे स्कूल में जाएंगे तो स्कूल की भाषा इसमें भी डिफर, तो जब उसमें है कि 3 साल का एक ब्रिज कोर्स, 3 महीने का या 6 महीने का कक्षा जब बच्चा वन में जाने वाला है तो ट्रांजिशन पीरियड में एक ब्रिज कोर्स रहे ताकि वो स्कूल की भाषा को एडॉप्ट कर सके। यहाँ 2 भाषा हो गई, मातृभाषा हो गया एक, स्कूल की भाषा या राज्य की भाषा आप कह सकते हैं, तो ये 2 भाषा हो गए। और जब बच्चे वन में गए तो एटलीस्ट 2 भाषाओं की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, उसकी अपनी मातृभाषा और दूसरा स्कूल की भाषा। और फिर अब आ रहा है कि आप एक तीसरी भाषा भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हाँ यू मे इंट्रोड्यूस द थर्ड लैंग्वेज। और इस राष्ट्रीय एजुकेशन में हाईली आगे जब चलकर हम देखेंगे तो रिकमेंडेड है संस्कृत, हाईली रिकमेंडेड है, अब इट इज डिपेंड ऑन यू टीचर, हाँ तो ये हाईली रिकमेंडेड है। अब ये बहुभाषा, अब कहा जा रहा है कि बच्चे जो है सीखने के लिए, ऐसा नहीं है कि बहुभाषा हम देंगे तो थोपे थोपना होगा, नहीं, बच्चा ये 3 भाषाएं सीख सकता, बच्चा जो है अगर सुनेगा ये 3 तरह की भाषा है तो इजीली वो सीख सकता है। अगर हम लोग अपने घर में, मैं अपने परिवार का एक उदाहरण देता हूँ क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत नज़दीक से, मेरे बड़े पिताजी बर्दवान में रहते थे तो घर में भोजपुरी चलता था, बड़ी माँ बड़े पिताजी घर में भोजपुरी बोलते, वहाँ की भाषा जो आसपास की थी वो बंगला थी और भाभी हमेशा हिंदी में बात करती थी, भाभी भोजपुरी में नहीं बोलती थी, रांची में उनका पालन पोषण हुआ था, आ गई तो भोजपुरी सीखी नहीं, तो 3 भाषा उनका जो पुत्र था मेरा भतीजा वो 2-2.5 साल का हुआ तो 3 भाषा में बात कर लेता था, 3 भाषा सुनते सुनते उसको आ गई थी। यानी कि ये जो कंसेप्ट है कि अगर बच्चा भाषा सुन रहा है तो लिसनिंग, उसका जो लर्निंग बाय लिसनिंग स्किल जो होता है वो बहुत ही शार्प होता है, वो सीख सकता है। इसलिए इस भाषा को हम लोग बहुभाषा बाद या भाषा की शक्ति को पहचानते हुए इसमें बात आई है कि भाई 3 भाषा कम से कम हम लोग ले करके बच्चे को सिखा सकते हैं, 3 भाषा कम होगा चल ही रहा। चलिए नेक्स्ट, भारत की भाषाएं, अभी ये कुछ कुछ भारत की भाषाओं के बारे में बात हुई है कि दुनिया में सबसे समृद्ध, सबसे वैज्ञानिक, सबसे सुंदर और सबसे अधिक अभिव्यंजक भाषा में से है, जिसमें प्राचीन और आधुनिक साहित्य के विशाल भंडार है। ये वही संस्कृत भाषा के बारे में कहा गया है कि यह संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है जो दुनिया के लैटिन और ग्रीक, यही 2 भाषा सबसे प्राचीन भाषा है, तो इन दोनों भाषाओं को मिलाने के बाद ही संस्कृत भाषा बहुत धनी है। संस्कृत भाषा में जितना व्याकरण, जितने तरह का विज्ञान, गणित और जो उच्च स्तर की नैतिक शिक्षा है, आध्यात्मिक शिक्षा है, ऐसा है इसमें गद्य, इसमें गणित, इसमें ज्ञान, इसमें चिकित्सा विज्ञान की अपार संभावना है। यही मैं बताया कि ये तीसरी भाषा हाईली रिकमेंडेड है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और ये हाईली रिकमेंडेड इसलिए है कि वास्तव में हमें इस प्राचीन भाषा का गौरव बोध होना चाहिए और बच्चों को भी गौरव बोध कराएं हम, तो इस दृष्टिकोण से ये बातें आई हैं। भारत की एकता और सुंदर सांस्कृतिक विरासत और विविधता दोनों का एहसास कराने के लिए द लैंग्वेज ऑफ इंडिया पर एक मजेदार प्रोजेक्ट गतिविधि तैयार कराई जाए। ये इसके अंदर क्या है कि भाई
द लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इसमें सांस्कृतिक एकता को हम कहाँ से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि वो भाषा तमिल हो, चाहे भाषा बंगला हो, चाहे भाषा हिंदी हो, इन सभी भाषाओं का अगर हम लोग फोनेटिक का अध्ययन करें, व्याकरण का अध्ययन करें, उसकी लिपि का अध्ययन करें, तो हम उसमें एकात्मता को ढूंढ पाएंगे कि ये ऑल लैंग्वेज डराइव फ्रॉम द आवर संस्कृत। तो ये एक दृष्टिकोण है कि ये दृष्टिकोण हम डेवलप करेंगे बच्चों में। बहुत यही है, अभी उसी में चले। भारतीय शास्त्रीय साहित्य इतना विशाल है कि सारे लाइकन ये इसकी चर्चा में कर चुका हूँ। नेक्स्ट, और दूसरा टॉपिक है, जैसे ही भारत पूरी तरह से विकसित देश बनेगा, अगली पीढ़ी भारत के व्यापक और सुंदर शास्त्रीय साहित्य के अध्ययन में भाग लेना और इंसान के रूप में समृद्ध बनना चाहेगी। ये बहुत ही एक जो कहा जाता है फ्यूचर प्रोजेक्ट है कि ज्यों ही भारतीय लोग पूर्ण विकसित हो जाएंगे तो जो अगली पीढ़ी वो भारत के जो व्यापक और सुंदर शास्त्रीय साहित्य के अध्ययन में भाग लेना और इंसान के रूप में समृद्ध बनना चाहेगी। इसके लिए ही है कि संस्कृत के अलावा भारत की अन्य शास्त्रीय भाषाएं और साहित्य जिनमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली, फारसी और प्राकृत शामिल है, स्कूल में भी व्यापक रूप से छात्रों के लिए विकल्प के रूप में, संभवतः ऑनलाइन मॉड्यूल के रूप में, अनुभवात्मक और अभिनव अप्रोच के माध्यम से उपलब्ध होंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके यह भाषा और साहित्य जीवित और जीवंत रहे। नेक्स्ट, अब ये सभी भाषाओं के शिक्षण को नवीन और माने इन भाषाओं को हम कैसे किस तरह से इसका ज्ञान देंगे, तो ये नवीन एवं अनुभवात्मक ढंग से, यानी कि भाषाओं को बच्चे अनुभव कर सकें, इस रूप में इसका शिक्षण दिया जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आइए, अनिवार्य विषय विषयों और कौशलों और क्षमताओं का शिक्षा क्रमीय एकीकरण। करें कि ठीक है, आज दुनिया तेजी से बदल रही है, इतनी तेजी से बदल रही है दुनिया कि उसके स्पीड के साथ हमें भी क्या करना है, अपना मिलाना है, चलाना है। तो सब कुछ दिया गया है, लिबर्टी दिया गया है कि दे कैन चूज देयर लैंग्वेज, बट अब जो आज चल रहा है, क्या चल रहा है भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, आज डिजाइन थिंकिंग की बातें हो रही हैं, आज जो है साइंटिफिक अनेक तरह के कौशल से आ गए हैं, तो कहने का मतलब कि बच्चे को ये सब चीज़ें भी निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, ताकि बच्चे पूर्ण विश्व नागरिक के रूप में परिणत हो जाए जब इस शिक्षा नीति से दक्ष होकर के, शिक्षित होकर के निकलें, तो पूर्ण रूप से वो एक विश्व मानव का रूप ले सकते। नेक्स्ट, कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक विद्यार्थी को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। ये आया है बात 6 to 8 तक, तो 6 to 8 तक में व्यावसायिक शिक्षा देना ही देना है। अब उसमें किस तरह की शिक्षा दी जाएगी, हर विद्यालय अपना चुनाव करेगा और ये बहुत ही जॉयफुल होगा, तो इसलिए इसको अलग भी किया गया, जैसे कि 5+3 प्लस 3, इसलिए क्या गया कि 3 to 8 में ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग व्यावसायिक शिक्षा। तो व्यावसायिक शिक्षा का आधार ये बना है कि भाई हर परिवार, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ उसका पारिवारिक व्यवसाय रहा है, किसान का पुत्र है तो भाई किसान उसका पारिवारिक व्यवसाय है, या हम लोग यहाँ है कि भाई किसी के घर का वो कलाकारी, सोने पर कलाकारी करना, ये कुछ समाज का है तो वो कला है, हाँ बांस का, हाँ बांस पर अनेक तरह की कलाएं हैं, मूर्ति कला है, हाँ घड़ा, हाँ तो इन सभी कलाओं का बच्चे अनुभव कर सके। और दूसरा बात क्या है कि जब भी व्यवसायिक एजुकेशन दिया जाता है तो उसके पीछे हेतु क्या रहती है कि बच्चे को श्रम का महत्व भी पता चले, श्रम का महत्व, इस दृष्टिकोण से इसको सम्मिलित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए।
स्कूली शिक्षा के लिए एक एनसीईआरटी द्वारा एनसीएफ डेवलप किया जाएगा। कहने का मतलब है कि अभी तक जो चल रहा है, जिन पुस्तकों को हम पढ़ रहे हैं, इनमें कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा। जिस तरह का हम संकल्पना लेकर के चल रहे हैं, तो एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो होगा उसके द्वारा एनसीईआरटी मिल करके और जितने भी भारत की भाषाएं हैं, राज्य भाषा है, अनेक राज्यों की भाषा है, जब लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन देने की बातें हैं, तो उसके आधार पर क्या करना पड़ेगा, अब पुस्तकों का निर्माण करना पड़ेगा। तो इसके लिए स्थानीय विषय वस्तु और स्वाद के साथ राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकों का निर्माण। अब जहाँ पर जिस स्थान के चीज़ों का महत्व है, मान लीजिए कि झारखंड में स्कूल है, झारखंड के इस मधुपुर में स्कूल है, देवघर में स्कूल है, तो कम से कम राज्य और राज्य के अलावा और थोड़ा सा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाते हुए वहाँ के स्थानीय क्षेत्रों के बातों को अधिकाधिक जो वहाँ के स्वाद के साथ शामिल करना, पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना, रटने के बजाय रचनावादी तरीके से सीखने पर जो पाठ्य पुस्तकों में चर्चा, विश्लेषण, उदाहरण और अनुप्रयोग को शामिल करना, राष्ट्रीय और स्थानीय सामग्री को शामिल करना, पाठ्य पुस्तकों को न्यूनतम संभव लागत मूल्य पर उपलब्ध करना, यही बहुत बड़ी बात है कि भाई अगर नहीं होगा न्यूनतम लागत मूल्य पर तो ये सार्वभौमिक नहीं बन रहा है। शिक्षा को क्या बनाना, सार्वभौमिक बनाना। तो इस दृष्टिकोण से इन सब बातों को शामिल किया है। आइए नेक्स्ट। अभी देखिए आकलन में अब समझिए कि इवैल्यूएशन जो टर्म इवैल्यूएशन है, तो दैट टर्म इवैल्यूएशन विल बी नाउ डिस्प्ले बाय द टर्म असेसमेंट। ये रिप्लेस्ड हो गया, इट द रिप्लेसिंग बाय द असेसमेंट, यानी कि अब इवैल्यूएटिंग नहीं होगा, क्या होगा, असेसमेंट। तो असेसमेंट क्या है, असेसमेंट का जो व्यापक इस पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन अभी तीन तरह के जो असेसमेंट है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो ये असेसमेंट के आधार पर, असेसमेंट फॉर लर्निंग दैट मीन्स क्या हुआ कि बच्चे के अधिगम के लिए मूल्यांकन करना, अधिगम के लिए उसके अधिगम का मूल्यांकन करना, ठीक है, और अधिगम जैसा मूल्यांकन करना, माने ये पैरेलल चलेगा, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। तो दैट मीन्स असेसमेंट एंड लर्निंग बोथ विल बी द पैरेलल, और मूल्यांकन के द्वारा बच्चे का लर्निंग डेवलप करना। असेसमेंट हो रहा है और इन तीनों तरीका से हमें असेसमेंट को फॉर्मुलेट भी किया गया है, इस पर हम लोग व्यापक चर्चा करेंगे जब असेसमेंट एक टॉपिक ही लिया जाएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में असेसमेंट में आमूलचूल परिवर्तन नई एजुकेशन पॉलिसी में है, और 360 डिग्री बात आई है, असेसमेंट कैसा होगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं चर्चा कर ओवरऑल, और ओवरऑल में क्या है, कॉग्निटिव है, बच्चे का डेवलपमेंट कहाँ कहाँ होता है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, केवल पढ़ाई लिखाई नहीं। तो जो मैं चर्चा किया था आप लोगों को कि थ्री हैंड, हेड हार्ट एंड हैंड, तो हेड यानी कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन के लिए आकलन असेसमेंट, इसके बाद से अफेक्टिव डोमेन के लिए आकलन, जो हर्ट है मतलब व्हाट दे आर फीलिंग्स, और उसका साइकोमोटर डेवलपमेंट यानी कि उसका शारीरिक डेवलपमेंट, शारीरिक डेवलपमेंट के लिए भी एक्टिविटीज करना, ये नहीं कि केवल जितनी भी एक्टिविटीज है तो ऑल आर ओनली फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, नो, उसमें वो बैलेंसिंग कैसे सीखेगा, कैसे वो उसके शरीर कि हर मांसपेशियों में विकास कैसे होगी, मजबूती कैसे आएगी,
यानी कि अब ये डेवलपमेंट का कोई जो हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं, वो असेसमेंट का केवल और केवल एक फील्ड कॉग्निटिव ही नहीं रहेगा। तो ऐसे सिचुएशंस डेवलप, ऐसे सिचुएशंस के द्वारा कि भाई सेल्फ इसमें और है, सेल्फ असेसमेंट है, पीयर असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट का भी रूब्रिक्स रहेगा, पीयर असेसमेंट का रूब्रिक्स रहेगा, हम जो असेसमेंट कर रहे हैं वो रहेगा ही, इसके बाद से पारिवारिक असेसमेंट भी कुछ उसका लेना है, तब जा करके हम 360 डिग्री असेसमेंट का जो परिकल्पना है उसको करेंगे। नेक्स्ट यही है प्रगति कार्ड का जो एक 360 डिग्री बनाया गया, इसमें सक्षमता है, ज्ञान और रचनात्मक सोच है, स्वदेशी समझ, व्यक्तिगत और सामाजिक क्षमता, आईसीटी क्षमता, नैतिक समझ, संख्यात्मक। तो इस तरह से इन सारे चीज़ों के असेसमेंट के लिए आपको असेसमेंट टूल्स दिए जाएंगे। असेसमेंट टूल्स हमें डेवलप भी कुछ तो डेवलप आपको रूब्रिक्स मिलेंगे भी, तो उसके आधार पर हम लोगों को असेसमेंट करना है। अब ये 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं एज यूजुअल रहेंगी, ऐसा नहीं है कि 10वीं की बोर्ड की परीक्षा खत्म होगी, 10th बोर्ड होगा, 12th बोर्ड होगा, ये प्लस 4 का मतलब ये नहीं कि 9 के बाद सीधे 12 का होगा, 10 बोर्ड होगा और 12 बोर्ड भी होगा। 10 बोर्ड के बाद ये 4 जो दिया गया कि एक स्कूल में 9 से 12 बच्चा रहे, ये एक कंसेप्ट इसलिए दिया गया है कि बच्चे का जो स्कूलिंग होता है और वहाँ पर जो उसका एक भावनात्मक लगाव रहता है वहाँ डेवलपमेंट बेहतर होता है, तो इस दृष्टिकोण को यहाँ पर रखा गया, ये एक कंसेप्ट रखा गया इसके पीछे। लेकिन फिर भी अगर बच्चा 9 के बाद किसी कारणवश, 10 के बाद किसी कारणवश उसको दूसरा स्कूल चेंज करना पड़ा तो कर सकता है, ऐसा नहीं है कि एकदम हार्ड एंड फास्ट होगा, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके अलावा भी कहा गया है कि 3 में आफ्टर क्लास 3, आफ्टर क्लास 5 एंड आफ्टर क्लास 8, ये एक प्राधिकरण के द्वारा, राज्य सरकार का प्राधिकरण गठित करेगा, उसके द्वारा हर लेवल पर एग्जाम लिया जाएगा। किस किस लेवल में? 3, 5, 8, 10 और 12, ऐसे 5 एग्जाम्स। तो 3 हो गए हम प्राधिकरण, और ये दोनों जो है 10 और 12 तो बोर्ड में। तो अब इसमें NTA के द्वारा कैसा बच्चे के अवधारणात्मक, बच्चे के रचनात्मक, बच्चे के व्यवहारात्मक सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट होंगे। तो पहले था कि भाई केवल 11, 12 में, अभी हम लोगों का जो हुआ था CBSE ली थी ना, NIS सर्वे हुई 3, 5 और 8 का जी, सर्वे ली थी, सर्वे जो हुआ था जी, तो वो जो सर्वे है वो समझिए कि परमानेंट सर्वे होने जा रहा है आने वाले समय में प्रत्येक बच्चे के लिए, दैट विल बी द परमानेंट सर्वे। विशेष प्रतिभा जो होता है कि बच्चे में कुछ न कुछ प्रतिभाएं हर बच्चे में रहती है, तो व्हाट्स द स्पेसिफिक टैलेंट इन एनी इंडिविजुअल, तो वी हैव टू इनिशिएट द स्पेसिफिक टैलेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल स्टूडेंट एंड वी आफ्टर रिकॉग्नाइज दैट स्पेशल टैलेंट। क्या करना है, उस टैलेंट को हमें पोषित करना, इनकरेज, हाँ इनकरेज करना, और उस स्पेसिफिक क्षेत्र में वो अधिकाधिक बढ़ सके, इसकी योजना हमेशा करना, ये इस पॉलिसी का महत्व है। प्रतिभावानों को प्रोत्साहित करना, विभिन्न विषयों में ओलंपियाड का आयोजन, ऑनलाइन समुदाय का गठन। चलिए इसके बाद है शिक्षक, वी आर ऑल टीचर एंड व्हाट्स द विजन फॉर द टीचर, व्हाट टाइप ऑफ टीचर शुड बी अपॉइंटेड इन दिस स्कूल्स, इट इज वेरी नेसेसिटी टू नो। नाउ द 4-year इंटीग्रेटेड कोर्स गोइंग टू अप्लाई, या 4-year इंटीग्रेटेड कोर्स,
यही रहेगा, भविष्य का जो बीएड होगा वो स्पेशल नहीं होगा। फिर भी एक व्यवस्था दी गई है कि एमए करने के बाद आफ्टर 12, ये पूरा क्लियर है, तो 30 तक जो है ये जो 2 ईयर बीएड कोर्स है ये 100% इसको डिमोलिश करना है, 2 ईयर नहीं रहेगा, इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा, या आफ्टर पीजी 1 ईयर का आप बीएड कर सकते हैं। आफ्टर पीजी अगर हुआ कि नहीं, नाउ एनी इंडिविजुअल में आउट, जब हम एजुकेशन लाइन में जाना चाहते हैं तो उसको एकदम बंद नहीं किया गया कि भाई आप इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं किए तो आप नहीं जा पाओगे, फ्लेक्सिबिलिटी है ना, हर जगह फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। तो लेकिन ये इस पर ज़्यादा जोर रहेगा कि 12 के बाद ही एज ए प्रोफेशनल कोर्स बच्चे ऑप्ट करें, भाई हमारा जैसे इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है, उसी तरह से इसका भी टीचिंग का भी इस महत्वपूर्ण निर्धारित करने के लिए ऐसा 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। शिक्षक स्थानांतरण के हानिकारक प्रैक्टिस पर रोक लगा, होता है ना, ये हानिकारक प्रैक्टिस है, इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं कहा जा सकता है। चलिए, अपने संस्थान को कब समझ में आएगा, समझ में नहीं आता, मैंने प्रिंसिपलों को कहा जाएगा, हम लोग के यहाँ तो शिक्षक का तो ट्रांसफर होता ही नहीं, तो ये तो अच्छी बात है शिक्षक के दृष्टिकोण से। तो ये रहेगा सरकारी स्कूलों में भी, यही है शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन, यानी कि अब प्राइवेट स्कूल में भी आपको ज्वाइन करना है तो टैट जो है टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट मस्ट बी पास, अदरवाइज विल बी नॉट एंटाइटल्ड टू टीच। आपको अगर टीचिंग एबिलिटीज नहीं है, यू डोंट नो हाउ टू टीच, देन हाउ कैन यू बी टीच। तो ये है कि भाई टैट पास अनिवार्य होना है, तो ये जुड़ा है। और साक्षात्कार कक्षा में पढ़ाने के प्रदर्शन के उपरांत ही टीचर का अपॉइंटमेंट होगा। पहले क्या था कि रिटेन पास कर गए, हो गया पास कर गए तो टीचर बन गए, लेकिन रिटेन पास करना एक अलग चीज़ है, और टीचिंग एबिलिटी, आपकी पर्सनालिटी, आपके वे ऑफ एक्सप्रेशन, ईच एंड एवरीथिंग विल बी मस्ट फॉर द टीचर। आप बोल रहे हैं आवाज क्लियर नहीं हो रहा है, तो बच्चा जब सुनबे नहीं करेगा आपका भाई, तो पढ़ेगा क्या आपसे। तो ये सब चीजें अब देखी जाएंगी। इसके बाद है विषयों में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करना, और स्थानीय कौशल के विशेषज्ञ व्यक्तियों को विशेष प्रशिक्षक के रूप में उत्साहित करना, यानी कि जब आपको क्या करने जा रहे हैं, व्यावसायिक शिक्षा लगाने जा रहे हैं, तो स्थानीय जगह के जो कौशल्स हैं उनको क्या करेंगे भाई, विशेष प्रशिक्षक के रूप में। मान लीजिए स्थानीय कौशल कहीं स्थान विशेष का होता है ना, विशेष कौशल स्थान विशेष का, जैसे कि अगर देखा जाए कहीं कहीं हम लोग क्षेत्र विशेष में बांटते हैं, कृषि में ही देखते हैं तो कहीं कहीं गन्ना उत्पादन की विशेषता है, कहीं कहीं आम का उत्पादन होता है, कहीं लीची का उत्पादन होता है, तो ऐसे अलग अलग अधिकाधिक उसी पर लोग हैं। झारखंड में मुर्गी उत्पादन की विशेषता है, मछली उत्पादन का है, पाठा उत्पादन का, तो अब उसके लिए भी कैसे क्या ट्रेनिंग देना, जो उसमें जो कौशल ऐसे विशेष प्रशिक्षक के रूप में उनको हायर करना। इसके बाद से है ये देखिए, शिक्षकों के व्यवसायिक मानक निर्धारित किया जाए, मानक प्रसिद्ध होंगे, कौन शिक्षक का बेहतर रिजल्ट हो रहा है, इनके पढ़ाने के कौशल को बच्चे अधिकाधिक पसंद कर रहे हैं, तो इसमें ये भी है कि उनको प्रोत्साहित करने के लिए, अच्छे टीचर को और अच्छा बनाने के लिए हर तरह का जो एक प्रोग्राम है कि भाई इनकरेजमेंट प्रोग्राम भी देना, उनको इंक्रीमेंट देना, इंसेंटिव कुछ तोहफा देना, इंसेंटिव देना, हाँ इंसेंटिव देना, ये सब चीज़ें इस एजुकेशन पॉलिसी है। इसके बाद है विशिष्ट शिक्षक, तो ये
जो डिसेबिलिटीज, जितने भी डिसेबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करके और उनके लिए अपना शिक्षण कौशल को कस्टमाइज करने वाले जो शिक्षक हैं वही विशिष्ट होते हैं। मान लीजिए कि बच्चे में अनेक तरह के लैकनेस होते हैं, जैसे आप लोग पढ़े भी होंगे डिसेबिलिटीज पर अभी ट्रेनिंग भी हुआ है कि बच्चे में डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, अनेक तरह के डिसेबिलिटीज होती है। तो ऐसे विशिष्ट टीचर को भी हर स्कूल में स्थापित करना, उनका नियोजन करना, ताकि ऐसे बच्चों के लिए हम कस्टमाइज कर सकें। इसके बाद है स्कूल कॉम्प्लेक्स। तो स्कूल कॉम्प्लेक्स जैसे हम लोगों का संकुल है ना, तो संकुल से हम लोग परिचित हैं, इसलिए स्कूल कॉम्प्लेक्स से परिचित होने में कहीं कोई कठिनाई नहीं। अब स्कूल कॉम्प्लेक्स क्या है सरकार की नज़र में, कि किसी स्थान विशेष में छोटे छोटे बहुत सारे स्कूल हैं, उसमें एक ऐसा स्कूल रहे जो हर तरह से आइडियल हो, उसमें हर तरह के संसाधन, चाहे वो मानवीय हो या एकेडमिक हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के मायने में हो, परिपूर्ण हर टीचर वहाँ पर हो, जितने भी सब्जेक्ट की अवधारणाएँ हैं सभी शिक्षक हों वहाँ। तो ये स्कूल कॉम्प्लेक्स का काम क्या होगा कि जहाँ जहाँ कमियाँ हैं, शिक्षक की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, तो उससे पूर्ण कोऑर्डिनेशन बनाते हुए उसको डेवलप करना, उसको संसाधन हो, चाहे मानवीय संसाधन हो या एकेडमिक जो भी संसाधन है, शैक्षिक संसाधन है, उन सबको उपलब्ध करा करके उन विद्यालयों को के डेवलपमेंट का ये हिस्सा बना। तो इस तरह से यही सोच लेकर के हमारा संकुल भी है, स्कूल कॉम्प्लेक्स की यही अवधारणा है। और समय एक घंटा में ही खत्म करना था, ज्यादा होती तो समझ में आ गया होगा। नहीं, बहुत अच्छा, शिक्षा के बारे में तो आ ही गया। ये